नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आज जैकलिन फर्नांडिस को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को 200 करोड़ के ठगी मामले में बड़ी राहत मिल गई है और एक्ट्रेस को पटियाला हाउस कोर्ट से 50,000 के नीची मुचलके पर जमानत मिली है। हाल ही में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक्ट्रेस से 15 घंटे तक पूछताछ की थी और ईडी से हुई पूछताछ के बाद ये दावा और पुख्ता हो गया कि सुकेश और जैकलिन का सॉलिड कनेक्शन है, जिसके बाद पटियाला कोर्ट को भी मामले में दखल देना पड़ा और जैकलिन को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा गया, जिसके बाद जैकलिन आज कोर्ट में पेश हुई थी। बता दें कि 17 अगस्त को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें जैकलिन को भी 200 करोड़ के वसूली केस में आरोपी पाया गया, जिसके बाद से जैकलिन की मुश्किलें बढ़ गई थी। हालांकि अब कोर्ट की तरफ से जैकलिन को राहत मिल गई है और उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। बता दें कि जैकलिन फर्नांडिस की ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी से 21 सितंबर को दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने 7 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें लिपाक्षी ने सुकेश और जैकलिन को लेकर कई खुलासे किए थे। साथ ही उसने कबूल किया है कि जैकलिन को कपड़े और गिफ्ट देने के लिए सुकेश ने उसे 3 करोड़ रुपए दिए थे। साथ ही लिपाक्षी एलावाड़ी ने कथित तौर पर कहा है कि चंद्रशेखर की गिरफ्तारी की खबर आने के बाद जैकलिन फर्नांडिस ने उनके साथ हर संबंध तोड़ लिया था। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस से कई बार पूछताछ की जा चुकी है और जैकलिन के अलावा नोरा फतेही से भी कुछ समय पहले पूछताछ की गई थी। वहीं जैकलिन और नोरा के अलावा भी कई एक्ट्रेसेस का इस केस में नाम सामने आया था। इस केस में जो है 8 लोग थे इसमें एक्यूज जो है, उसमें से जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी उसमें से ये ईडी ने जो है जैकलिन फर्नांडिस को जो है चार्जशीट किया था, उसमें एक्यूज किया था सितंबर में। अभी जो उसमें 200 करोड़ का जो पूरा मामला है वो उसमें कई सारे उसमें सेक्शंस लगाए हैं उसमें से, और उसमें से अभी जो है उनको इंटरिम एक जमानत उनको दी गई है इंटरिम बेल पे, और अभी नेक्स्ट अभी क्योंकि चार्जशीट फाइल हुई है, अभी इसमें चार्ज पे आर्ग्यूमेंट बाकी है और अभी ट्रायल पूरा सारा बाकी है, तो कोर्ट ने यही मद्देनज़र देखते हुए कि अभी तो सिर्फ चार्ज फ्रेम हुए हैं तो इसके बेसिस पे कोर्ट ने जो है अभी इंटरिम के लिए जमानत दी है टिल द टाइम जब तक आगे ट्रायल नहीं होता है। और क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे जो मेन एक्यूज मेन जो कंप्लेनेंट्स हैं और जो मेन क्योंकि ईडी खुद ही इसमें कंप्लेंट उन्होंने रजिस्टर करी थी तो उनका भी इसमें स्टेटमेंट होना बाकी है, तो अब जो भी स्टेटमेंट होगा तब तक के लिए तो जमानत इनकी यहाँ पर दी गई है इनको। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।